अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज है जी पहला रोज़ा और हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तरावी पढ़ के आने के बाद ना अभी जो है ना मैं आई हूँ किचन में और मैंने आलू गोभी जो है ना वो बनाई है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सहरी में ना गोभी वाले पराठे जो है वो बना लेंगे, ज़रा अच्छे लगते हैं। और बस अभी गोभी बना के और साथ ही आटा वगैरह गूंद के मैं रख दूँगी। यहाँ पर मैं अभी आपको कप्स दिखा रही थी जो कि मैं न्यू ले कर आई हूँ, बड़े प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी किचन की जो है ना वो सेटिंग चेंज कर दी है, कप वगैरह यहाँ पर रख दिए हैं, बॉल वगैरह उठा के ना ऊपर कैबिनेट्स के अंदर रख दिए हैं। तो यहाँ किचन की थोड़ी सी लाइक जार्स वगैरह जो है ना मैंने थोड़े से चेंज किए हैं, लेकिन इनके लिए वुडन ट्रे जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है, तो इंशाल्लाह वो भी मैंने अभी लेनी है। और वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ मैंने जगह पे रख के किचन बिल्कुल क्लीन माशाल्लाह से कर दिया था मैंने। अभी मैं गूंद रही हूँ आटा। अच्छा, आटा जो है ना हमेशा से जब भी मैं शेयर करती हूँ तो बहुत सारी सिस्टर्स जो है वो यही कहती हैं कि आप आटा रात को गूंद के रखती हैं और सुबह आप कैसे बना लेती हैं, मतलब फ्रिज वाले आटे की। तो थोड़ी देर के लिए आटा जो है ना वो बाहर रखती हूँ, वो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है ना, फिर मैं आराम से रोटी बना लेती हूँ, पराठा बना लेती हूँ। अदरवाइज़ उसी वक्त भी आटा गूंदा जा सकता है, लेकिन फिर थोड़ी सी टाइम की बचत के लिए ना मैं चाहती हूँ कि मैं रात को ही गूंद के रख लूँ। और इसमें इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी देर के लिए तो नहीं पड़ा रहता ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हो, इस तरह से नहीं होता, बस नॉर्मल सा ठंडा होता है। तो वो फिर टेम्परेचर भी वैसे हमने लो किया होता है, तो फिर वो जो है ना आराम से रोटी पराठा जो है इसका बन जाता है। तो बस यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है और बाकी जो सहरी की सारी तैयारी है वो मैंने करके रख ली है। अभी बस डो बनानी है और वो डो जो है ना उसका मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह फतीरा, चीज़ और हनी का जो फतीरा बनाती हूँ वो मैं बनाऊंगी। और उसको अभी मैं गूंद के रख लूँगी ताकि वो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए, 3-4 घंटों के अंदर आराम से जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की राइज़ जो है ना वो हो जाएगी। और बस फिर सो जाएंगे जाके, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ी हुई है, और फिर जल्दी से इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी उठने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे ताकि टाइम से जो है ना वो सहरी बन जाए। और बस ये रमज़ान की यही जो है ना वो रौनकें होती हैं, सहरी इफ्तारी, एक अलग सा ही जो है ना वो मज़ा होता है रमज़ान में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सहरी बनाना, इफ्तारी बनाना, हमेशा से जो है ना वो एक जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है तो इसी तरह से जो है ना वो रौनक बन जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पर यीस्ट जो है ना वो ये काफ़ी सारी मेरे घर पे आ गई थी और इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो फ्रिज में ना एयर टाइट जार के अंदर मैंने इसको ना फ्रिज के अंदर रखा ताकि ये ख़राब ना हो। और अभी मैंने ना तो बिल्कुल लाइक 1/4 कप जो है ना मैंने मिल्क का लिया है और इसको मैंने कर लिया है गरम, बिल्कुल लुक वार्म मिल्क चाहिए। और इसके अंदर मैं बाकी सारी चीज़ें डालूंगी, 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। अच्छा, ये मैंने सिर्फ एक ही फतीरा बनाना है क्योंकि और बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता सहरी में, पता है आपको कि ना कम ही खाया जाता है, तो बस एक ही बनाऊँगी, साथ में पराठे भी होंगे, एक एक पराठा हो जाएगा और दो दो तीन तीन पीस जो है ना वो फतीरे के पीसेस के जो है ना वो ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी जो है ना वो मैंने इसमें डाला है, इसमें डाली है शुगर, और शुगर तकरीबन 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें यीस्ट का डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, इसमें सॉल्ट नहीं जाएगा क्योंकि जो आप इसके अंदर चीज़ डालेंगे ना क्रीम चीज़, उसके अंदर सॉल्ट ऑलरेडी होता है, तो अगर डोम के अंदर भी सॉल्ट होगा तो वो फिर ज़रा थोड़ा सा नमकीन नमकीन सा अजीब सा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम जो है ना मैदा लिया था क्योंकि एक ही फतीरा बनाना है, तो 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा लेके उसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। और फिर इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें जो यीस्ट वाला मिल्क था वो भी मैंने डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हल्का सा इसको गूंद के मैं ओवन के अंदर रख दूंगी और ये तकरीबन 3-4 घंटे के अंदर तो बहुत ही कमाल की जो है ना वो राइज़ हो जाएगी। यहाँ पर बस अभी सारी लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ कर दी हैं, लेकिन ये जो मैं छोटी ये लाइट्स मैंने मंगवाई थी डेकोरेशन के लिए ली थी, ये मैंने ऑफ नहीं की हैं, मैंने कहा आज इसको जलते ही रहने दें, बड़ा प्यारा सा जो है ना वो किचन में समा है, तो इसको बस ऐसे ही मैं जलता हुआ छोड़ के जा रही हूँ। अभी बस हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह सहरी में आपसे मिलते हैं। यहाँ है जी सहरी का टाइम और अभी मैं आई हूँ किचन में,
तो देखते हैं कि डो जो है ना वो राइज हुई है कि नहीं हुई। फिर जल्दी जल्दी पराठे बना लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ। अच्छा, सहरी जो है ना, पता नहीं आप लोग कैसे करते होंगे, डिफरेंट जो है ना लोगों का डिफरेंट वो होते हैं, रूटीन होती है। कुछ लोग बहुत हैवी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल लाइट लाइट सा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ब्रेड के साथ भी सहरी कर लेते हैं और कुछ जो है ना पराठे के बगैर जो है ना उनकी सहरी नहीं होती। लाइक हमारी जो है ना पराठे के बगैर तो सहरी नहीं होती। वैसे करने को कर लेते हैं लेकिन जो है वो एक तलब जो है ना वो पूरी नहीं होती है। उसके बगैर जो है ना ऐसे लगता है कि बस हमने जैसे कुछ खाया ही नहीं है सही से ना। तो हम लाजमी पराठा बनाते हैं, और पराठे के साथ अंडा हो या फिर सालन हो या फिर गोभी वाले पराठे हो, तो इस तरह से जो है ना वो हम बना लेते होते हैं। तो यहाँ पर बस फतीरा जो है ना वो मैंने अभी, इसकी जो रोटी है वो मैं बना रही हूँ। इसको मैंने ना ज़रा लंबा सा जो है ना इसको बेलना है थोड़ा सा, और इसमें जो ये जो पक की क्रीम चीज़ होती है ना ये वाली मैं इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होता है इसका। और ये आप चाहें तो, मतलब लोग तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा डालते हैं, लाइक जैसे फतीरा कट करते हैं ना तो सारी चीज़ जो है ना वो बह के बाहर निकल रही होती है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं डालूंगी क्योंकि अभी इस टाइम पर जो है ना इतना हैवी खाने का मतलब हिम्मत नहीं है इतना ज्यादा हैवी खाने की। तो बस थोड़ी सी मैंने इसमें चीज डाली है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। स्क्वेयर शेप, स्क्वेयर तो नहीं है ये, रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसमें मैंने कर लिया है इसको फोल्ड। और इसको अच्छा सा जो है ना वो करना, पैक करना है हर साइड से ताकि चीज जो है ना वो गर्म होके बाहर ना निकले, क्योंकि जब ये पकता है ना तो जो चीज है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो पतली हो जाती है और बाहर निकलना बहना शुरू हो जाती है। तो बस अभी मैंने इसको डाल दिया है तवे पर। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल लगाऊंगी, या आप चाहें तो आप इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल जो है ना वो मैं लगा रही हूँ। और ये बिल्कुल उसी तरह बनता है जिस तरह आप मार्केट में जाएं और वहां से आप ऑर्डर करते हैं ना, तो वैसा ही बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो है ये फतीरा बनता है। तो यहाँ पर फतीरा हो गया जी रेडी, और इसको मैंने ना, वैसे तो आपकी जिस तरह आपकी मर्जी है आप उसी शेप में इसको काट सकते हैं, तो मैंने इसको कट कर लिया इस तरीके से। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी हनी, और इतना ज़बरदस्त किस्म का जो इसका टेस्ट होता है ना, हल्का हल्का सा नमकीन, हल्का सा जो है ना मीठा, और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना इसका टेस्ट होता है। तो ये ज़रूर बनाइएगा अगर आपने कभी नहीं बनाया। सिर्फ यही बना के और पराठे ना भी हो ना, तो ये एक एक फतीरा ही खा लें तो जो है वो सहरी जो है ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी गोभी के पराठे, और बस दो पराठे बनाऊंगी, साथ में एक फतीरा होगा, तो बाकी चाय है और योगर्ट है। और डेट्स जो है ना वो मैंने साथ में रखी हैं दो, क्योंकि डेट्स जो है ना वो सहरी में एक एक डेट जो है ना वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर बस हमारी सहरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है रेडी। तो सहरी करने के बाद हम लोग सो गए थे, बर्तन वगैरह साफ करके, किचन क्लीन करके जो है ना वो सो गए थे। थोड़ा सा नमाज वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम जो है ना वो दिल चाहता है कि बंदा जो है ना थोड़ा टाइम ऐसे इधर उधर जरा बैठ के, और फिर उसके बाद आराम से हम सो जाते हैं। तो फिर उसके बाद उठते हैं हम तकरीबन 12-1 बजे, बहुत लेट उठते हैं। बस उठते ही साथ ही जो है ना वो जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको सेटिंग दिखा रही थी कि अभी जब मैं उठ के आई हूँ ना हॉल के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैंने आपको सेटिंग भी नहीं दिखाई कि मेरे हॉल की किस तरह से मैंने इसकी सेटिंग जो है ना वो चेंज की है। तो यहाँ पर ये देखें कि मैंने सोफे जो है ना, एक दो जो सिंगल पीसेस थे, सिंगल सोफे थे ना, पीसेस कह रही हूँ, जो दो जो सिंगल सोफे थे ना दोनों, वो एक साइड पे कर दिए हैं और बड़ा वाला जो है ना वो एक साइड पे कर दिया। तो इस तरह जगह जो है ना वो काफ़ी खुली हो गई है, और साइड टेबल पर भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें रख दी हैं। इसके अलावा दरमियान वाले जो सेंटर टेबल थी उसके अंदर भी, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से डेकोरेट करके रख दी हुई हैं। तो विंडोज़ वगैरह मैंने ओपन कर दी थी, और अभी आई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी चटखारा ड्रम स्टिक्स इफ्तार के लिए, और इसके लिए मैंने जो लेग्स है ना चिकन की, ये स्किन के साथ हैं, इनको मैंने डीप रोस्ट कर लिया था। और इसके अंदर मैंने अभी डाला है जी विनेगर और जिंजर पाउडर, और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। इसको मैं रख दूंगी तकरीबन आधा घंटा, डिप करके जो है ना रख दूंगी ताकि अच्छा सा जो है ना वो चिकन टेंडर हो जाए। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ जी बिरयानी का मसाला, और मसाला जो बिरयानी का होता है वो मैं बिल्कुल कोई भी मसाला जो है ना वो मैं बाहर से नहीं लेती हूँ सिवाय चाट मसाले के, बाकी सारे मसाले जो है ना वो मैं घर पर ही बना लेती हूँ।
तो बिरयानी मसाला स्पेशली जो है ना वो मैं कभी भी अब बाहर से नहीं लेती, पहले लेती थी, लेकिन अभी चाहे जितनी भी जल्दी है देर और ये जो कुछ भी है खुद घर पे ही बना के ना मैं बिरयानी बनाती हूँ उसकी। तो मैंने सोचा मैं इस मसाला जो है वो रेडी करके रख लेती हूँ। यहाँ पर 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने सॉल्ट लिया है और तकरीबन 2 टीस्पून जो है ना रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है जी रेड चिली फ्लेक्स का, और 2 बादाम के फूल लिए हैं। इसके अलावा जो जायफल और जावित्री का एक एक पीस मैंने लेना है। यहाँ पर ब्लैक पेपर है तकरीबन 15-20 होंगी, ये मैंने ले ली है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर जो है वो ली है, और तकरीबन 8 से 10 जो है ना वो मैंने लौंग लिए हैं। यहाँ पर धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, और गरम मसाला पाउडर जो है ना वो भी 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बड़ी वाली जो इलायची होती है काली मोटी इलायची वो मैंने 3 ली हैं, और 3 से 4 जो है ना तेज़पात लेने हैं, तेज़पात के जो पत्ते होते हैं वो लेने हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी, और ये बिरयानी का मसाला जो है ना रेडी करके मैंने पहले ही साइड पे रख लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है जी 1 टेबल स्पून इमली का पल्प, जो इमली की चटनी होती है वो ली है, और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर कैचअप मैंने डाला है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जो ग्रीन चटनी होती है उसका डाला है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अभी मैंने चिक पीस थे और रेड बीन्स थे, इसके अलावा अनियन, पोटैटोस, टमाटोस, हरा धनिया, ग्रीन चिली, ये सारी चीज़ें कट करके रखी हुई थी। तो ये सारा जो मैंने बनाया ना सॉस सी बनाई है ये मैंने इसमें डाल के, तो ये चने की चाट बना के साइड पे रख दी है, और अभी बना रही हूँ मैं बिरयानी। तो बिरयानी में मैंने क्या किया कि मैंने 3 जो है ना वो मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, इनको मैंने फ्राई किया, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून के बराबर, फिर इसमें मैंने चिकन डाल दिया और बिरयानी मसाला जो बनाया था वो डाल दिया। इसको अच्छा सा फ्राई करने के बाद मैंने साथ में इन इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, क्योंकि बिरयानी जो है ना वो उसमें अच्छा सा कलर एक आना चाहिए। और फिर इसको मैंने मसाले को बना के जब इसका पानी जो है ना वो तकरीबन ड्राई हो गया, इसमें 1 कप पानी जो है ना वो रह गया, तो फिर मैंने इसके अंदर अब चावलों की तह लगाना शुरू कर दी है। अच्छा, चावलों की जो तह है वो मैं 1 ही लगाती हूँ, और इसी से ही बहुत अच्छी बनती है। इसके ऊपर फूड कलर डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था, और यहाँ पर ड्रम स्टिक्स जो है ना वो तकरीबन अच्छी सी टेंडर हो चुकी हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के 1 टीस्पून के बराबर इमली की जो चटनी है या इमली का पल्प आप ले लें वो लिया है, और साथ में 1 टीस्पून मैंने इसमें केचप का डाला है। ये बना रही हूँ जी चिकन चटखारा चिकन ड्रम स्टिक्स जो होती है ना वो बहुत मज़े की बनती हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। यहाँ पर गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून तकरीबन ब्लैक पेपर पाउडर का मैंने इसमें ऐड किया है, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ज़ीरा डाल दें वो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, 1 टीस्पून जो है ना इसमें सॉल्ट का ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डिप करके जो है ना सॉल्ट में रखा हुआ था, तो इसलिए 1 टीस्पून ही लिया है। इसके अलावा जिंजर पाउडर जो है ना वो मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून लिया है, और साथ में जो ग्रीन वाली चटनी होती है ना जो पुदीने की, हरे धनिया की और चिली की जो चटनी है वो बना के मैंने वो इसमें डाली थी, मतलब वो रेडीमेड मेरे पास रखी हुई थी तो वो मैंने इसमें डाली थी 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैदा जो है ना, पता नहीं मैं किस ख्याल में इतना सारा डाली जा रही थी, हालांकि सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा चाहिए था लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करना था। तो खैर, आप इसमें अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपकी कोटिंग आप चाहते हैं ज़्यादा हो तो फिर आप ज़्यादा डालें, नहीं तो जस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा डालें और 1 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, तो ये ज़बरदस्त सा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट्स कट किए हैं, लाइक एप्पल है, बनाना है और मस्क मेलन है, इसके अलावा पपाया है और
जो पोमीग्रेनेट है वो है, बनाना भी इसमें मैंने डाल दिया। ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद अभी मैंने इसमें क्रीम डाली है और इसमें मैं शुगर भी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड करूंगी और बस इसको मिक्स कर लूंगी। तो ये हमारी क्रीम चार जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी रेडी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी करके रख लिए हैं। अभी टाइम आता है जी पकौड़ों का, मैंने कहा चलो फ्राइंग वाला काम जो है ना वो जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि फिर इफ्तार में जो है ना वो टाइम नहीं बचना। जल्दी से इसको जो है ना फ्राई कर लेते हैं और साथ में अभी चिकन भी मैंने फ्राई करना है, ड्रम स्टिक्स भी फ्राई करनी है। तो यहाँ पर पकोड़े बना लिए थे और साथ ही जो है ना मैंने फिर ड्रम स्टिक्स डाल दी थी ताकि ये भी फ्राई हो जाएं। और इसको पहले मैंने जो फ्लेम था वो तकरीबन मीडियम पे था और जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया, सॉरी अच्छा सा पक गया बैटर, तो फिर मैंने कलर देने के लिए ज़रा थोड़ा सा फ्लेम जो है ना स्लो कर दिया था ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अंदर से पकता भी रहे और इसका कलर भी जो है वो अच्छा सा आ जाए। बस यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं रेडी। साथ में स्प्रिंग रोल जो है ना वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे और चटनियाँ बना ली थी, मतलब चटनियाँ बनी हुई थी। बस जो इमली की जो चटनी होती है ना उसके अंदर मतलब 2 टेबल स्पून इमली की चटनी ली और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और फिर उसको मिक्स किया। तो ये हमारी इमली की बड़ी मज़ेदार किस्म की चटनी जो है वो बन गई थी। तो हमने इफ्तार को इंजॉय किया। उसके बाद मैंने सारा क्लीनिंग किचन जो है वो क्लीन करके रख दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद अभी बस थोड़ी देर में चाय बनेगी और उसके बाद जो है ना सेम वही रूटीन जो है ना वो रिपीट होती जाएगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।